हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर्स संघ द्वारा बस किराए बढ़ोतरी का विरोध करने के कांग्रेस पार्टी के आंदोलन के संदर्भ में की गई बयानबाजी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि बस किराए वृद्धि का विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को बेहतरीन परिवहन सेवाएं दे रहे निजी बस चालकों का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का भी विरोध कर रही है और पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति तथा विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने एवं समाज के विभिन्न वर्गों को राहत देने की मांग हेतु ज्ञापन भी दे चुकी है और कांग्रेस पार्टी लॉकडाउन तथा कोरोना महामारी के चलते प्रभावित समाज के प्रत्येक वर्ग राहत प्रदान करने की पक्षधार है। उन्होंने कहा कि आमजन पर चलाए जा रहे भाजपा सरकार के महंगाई के चाबुक को कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी और इसका हर स्तर पर विरोध होगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि डीजल पेट्रोल की मांगों में बढ़ोतरी के बाद स्वाभाविक है कि इसकी वजह से हर प्रकार की महंगाई बढ़ेगी, जिसका सीधा असर देश और प्रदेश की जनता, जिसमें निजी बस ऑपरेटर भी शामिल हैं, पर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी बस किराए वृद्धि के साथ साथ डीजल पेट्रोल गैस बिजली इत्यादि की बड़ी कीमतों और दरों को कम करने के लिए संघर्ष कर रही है और आगे भी करती रहेगी। प्रेम कौशल ने कहा कि अपनी विफलता तथा नालायकी को छिपाने के लिए भाजपा सरकार निजी बस ऑपरेटर्स संघ का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है। बस किराया वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आंदोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर आरंभ किया गया है, उसको लेकर प्राइवेट बस ऑपरेटर संघ के मेरे मित्रों ने एक बयान जारी किया है। मैं अपने इन साथियों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन किसी भी तरह से जो निजी बस ऑपरेटर्स हैं उनके खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश और देश की जनता को जो एक के बाद एक महंगाई के तोहफे दिए जा रहे हैं, जिसमें डीजल पेट्रोल की कीमतों का बढ़ाया जाना, बिजली के बिलों की जो दरें हैं उसका बढ़ाया जाना, बस किराए का बढ़ाया जाना, और जब डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो गुड्स जो ट्रांसपोर्ट है उसका किराया निश्चित तौर पर बढ़ेगा, तो जो हर प्रकार की जो महंगाई सरकार जनता को इस कोरोना महामारी के समय में दे रही है, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन सरकार के इन जनविरोधी फैसलों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की जो समस्या है, जो उनको नुकसान इस महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते हुआ, उससे भली भांति परिचित है, और आपकी समस्त जो मांगे हैं, न्यायोचित मांगे हैं, कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती है। दरअसल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अपनी नालायकी और जनविरोधी जो नीतियां हैं उनके जो दुष्परिणाम हैं उनको छुपाने के लिए, उनसे बचने के लिए हमारे जो निजी बस ऑपरेटर्स के साथी हैं उनका इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से, जब से डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तब से आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हुए और राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर तक, जिला स्तर तक कांग्रेस पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति, विभिन्न प्रदेशों के राज्यपालों इत्यादि के माध्यम से लगातार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए,
डीजल पेट्रोल की कीमतों को वापस लेने के लिए संघर्ष किया है, ज्ञापन दिए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन किसी भी तरह से किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी की जो मांग है, वो कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते जो देश और प्रदेश की जनता आर्थिक रूप से तंगी के दौर से गुजर रही है, संघर्ष के दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है, उस जनता को, चाहे वो बस ऑपरेटर्स हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, चाहे साधारण नागरिक समाज के हों, गरीब लोग हों, मजदूर लोग हों, उनको राहत देने की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। और समाज के प्रत्येक वर्ग के ऊपर, जिसमें हमारे निजी बस ऑपरेटर्स भी शामिल हैं, सरकार ने जो टैक्स लगाए हैं, डीजल की जैसे कीमतें बढ़ाई हैं, जिनका प्रभाव जो है वो निजी बस ऑपरेटर्स के ऊपर भी पड़ा है, उनका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसलिए समाज के किसी भी वर्ग को, चाहे वो व्यापार करने वाला कोई वर्ग हो, चाहे अन्य कोई वर्ग हो, उसको कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन को इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि कांग्रेस का यह आंदोलन उनके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी समाज के प्रत्येक प्रभावित वर्ग के साथ आज इस महामारी के दौर में, इस संकट के दौर में खड़ी है, और हर वर्ग की जो जायज़ मांगे हैं, न्यायोचित मांगे हैं, उनका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, और सरकार से ये उम्मीद और मांग करती है कि प्रभावित लोगों को सरकार राहत प्रदान करे।